अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने घर में सब्जियां उगाई हुई हैं, स्पेशली पालक मेथी जिसमें पत्तों के ऊपर कुछ पेस्ट अटैक कर देते हैं, तो उसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीम ऑयल मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, सबसे बेस्ट है। ये देखिए जी, ये हरा ऑर्गेनिक का नीम ऑयल है और ये वाटर सोलेबल है। इसको सिंपल आप कोई भी स्प्रे बॉटल लें, उसमें 5 ml आपने डालना होता है 1 लीटर के अंदर। तो ये हमने डाल दिया। अभी ये मैं क्यों स्प्रे कर रहा हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। ले जी, ये तैयार हो गया, क्योंकि वाटर सोलेबल था तो ये नाउ दिस इज़ रेडी टू यूज़। आगे लाएँ जी कैमरा। ये हमने लगाई पालक और ग्रो बैग के अंदर नीचे आई। ये देखें, अभी इसके पत्तों के ऊपर सुराख हो गए और कुछ पत्ते जो है ना ये बीच में ब्लैक हो गए हैं, ये ऊपर ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स हैं। दैट मीन्स के कोई पेस्ट है जो इसको खाना चाह रहा है, और हम चाहते हैं कि पेस्ट को मारें भी ना और उसको भगा दें, रिपेल कर दें। तो नीम ऑयल सबसे अच्छी ऑर्गेनिक रेमेडी है, और इसको आपने सिंपली इसके ऊपर स्प्रे कर देना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि नीम ऑयल के अंदर ये पेस्ट को रिपेल करता है, इसके अंदर दो रीजंस होती है, एक इसकी बैड स्मेल और दूसरा इसका टेस्ट। और पत्ते कड़वे हो जाते हैं और स्मेली हो जाते हैं, जो पेस्ट होते हैं वो आते ही नहीं है। तो बेहतर होता है कि आप शुरू से ही इसको कर दें। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपने याद रखनी है, वो ये कि हर 5वें दिन आपने हल्का से इसके ऊपर स्प्रे करना है, ताकि पत्तों के ऊपर जो उसका बैड टेस्ट है और स्मेल है ये दोनों मेंटेन रहें। अगर बीच में गैप आ जाएगा तो पेस्ट को वो एक क्लियर रास्ता मिल जाएगा और साफ़ सुथरे पत्ते मिल जाएंगे और वो खाना शुरू कर देंगे। तो आप अगर ऑर्गेनिक कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीम ऑयल से अच्छा कोई भी स्प्रे नहीं है।